अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन पीवी न्यूज पे स्पोर्ट्स 360 की। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने जरूर कनाडा को शिकस्त दी है, लेकिन पाकिस्तान ने इस वक्त आयरलैंड को शिकस्त देने की ठान ली। अगर बात करें इस वक्त आपको पता बहुत सी ज्यादा इफ्स एंड बट्स वर्ल्ड कप के अंदर लगे हैं, चाहे बड़ी टीम्स की बात करें, अब बहुत सी ऐसी टीम्स हैं जिनमें अनएक्सपेक्टेड था कि वो शिकस्त खाएंगी। जैसे न्यूजीलैंड की बात करें, बैक टू बैक दो मैचेस हार चुकी हैं। पाकिस्तान की अगर बात करूं तो पाकिस्तान ने अपना जो अगला मैच है वो आयरलैंड के खिलाफ खेलना है, इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान के लिए, और फिर इफ्स एंड बट्स की गेम स्टार्ट होती है जहां पर आयरलैंड और यूएसए का मैच भी खेला जाना है। अगर बात करें 14 जून को मैच खेला जाएगा अमेरिका में, जहां पर आयरलैंड और यूएसए के खिलाफ ये मैच होना है, उसमें 91% बारिश के चांसेस हैं, और अगर ये वॉश आउट होता है मैच तो पाकिस्तान का सफर अख्ताम होगा। पाकिस्तान इंडिया के मैच में भी आपको पता है काफी चांसेस थे बारिश के, लेकिन मैच जरूर हुआ। देखने वाली बात है कि आगे वेदर प्रेडिक्शन, क्योंकि फ्लोरिडा के अंदर इस वक्त आपको पता है फ्लड की वार्निंग भी है, साथ ही साथ शदीद बारिश इस वक्त जारी है। वहीं पाकिस्तान की अगर बात करूं तो पाकिस्तान ने 16 जून को आयरलैंड के खिलाफ मैच खेला जिसमें 47% बारिश का इम्कान है, तो बारिशें जो सी हैं वो इंग्लैंड से लेकर यहां तक पीछा नहीं छोड़ रही। इंग्लैंड की टीम भी अगर बात करूं तो मुश्किलात का शिकार है, ऐसे लगता है कि शायद ऑलमोस्ट इस टूर्नामेंट में बाहर हो जाएगी। तो एक अच्छी बात कि खुदा न खास्ता अगर हम बाहर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि यार हमने क्रिकेट अच्छी खेली थी, बाकी बड़ी टीमें भी बाहर हो चुकी हैं जिस तरीके की हमने क्रिकेट खेली। इसके अलावा अगर बात करें तो जो इस वक्त क्वालिफाइड टीम्स की अगर मैं बात करूं, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और भारत की टीमें सुपर एट के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। साउथ अफ्रीका की थोड़ा सा मैं बात करना चाहूं, मैं अपने गेस्ट से भी बात करूंगा कि काले बकरे जिबा करने पड़ेंगे आपको अगर आप सुपर एट के अंदर दाखिल हो रहे हैं। जो उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं, जितनी टॉप की टीम है उनकी बैटिंग की बात करूं चाहे उनकी पेसेस की बात करूं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको फ्लॉ नजर आता है साउथ अफ्रीका का। एक बड़ा टफ इनका जो सुपर एट से पहले जो मरहला था ग्रुपिंग का वो रहा है, चाहे आप नॉर्मल टीम्स की बात करें, बड़ा एक मुश्किलात से साउथ अफ्रीका की टीम दो चार रही है। अगर लास्टली बात करूं तो एक रोज कबल भारत ने अमेरिका को कल शिकस्त दी थी। यूएस की टीम की एक अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि उनके अंदर जो एक अप्रोच है बैटिंग की, चाहे बात करें चाहे बॉलिंग यूनिट की बात करें, कि अप्रोच आपको नजर आती है, एग्रेसिवनेस है, फाइट आपको टीम के अंदर नजर आता है। और एक अच्छी बात इस टूर्नामेंट की मुझे लगी स्पेसिफिकली, जो नॉन टेस्ट नेशंस हैं अगर उनकी बात करें तो उन्होंने टफ टाइम दिया है टेस्ट नेशंस को। इस वक्त आप पॉइंट्स टेबल भी देख सकते हैं जहां पर अमेरिका बल्कि इंडिया इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान की बात करें, यूएस की बात करें, ये दो कंट्रीज हैं जो कि आयरलैंड को भी मैं पीछे नहीं रखूंगा, लेकिन ये दो कंट्रीज हैं जिनके अंदर रेस इस वक्त लगी हुई है कि सुपर एट के लिए कौन क्वालिफाई करेगा। प्रोग्राम हमारे इस वक्त गेस्ट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन गुफ्तगू से पहले मैं साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश का जो मैच खेला गया था उस पर कुछ नजर डालते हैं और वापस आते हैं। Dubé just drills his hands through him. Could that be the winning runs? The first game. Back in. Oh, that's chipped in the air. It's in the air. And then wrestled. Oh, that's typical Surya Kumar. Squandy. That's edged and it goes past the keeper. It's flicked. In the gap. Oh, you're talking about some shots. That one is... We're now getting innovative. There is no one down. Dubé just drills his hands through him. Could that be the winning runs? The first game. Back in. Oh, that's chipped in the air. इस वक्त आप झलकियां देख रहे थे। अगर विराट कोहली की बात करूं, आपको पता है कि थोड़ा सा तनकीद की अपना नजर तो जरूर है, लेकिन अच्छा वर्ल्ड कप अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स अगर विराट कोहली की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, अभी तक ऐसा सच कुछ उनकी परफॉर्मेंसेज नजर नहीं है, लेकिन ओवरऑल इंडिया ने कल अच्छी क्रिकेट खेली है। लेकिन यूएस को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, जिसका इंटेंट की जब हम बात कर रहे थे वो नजर आपको आ रही है जो यूएस टीम के अंदर नजर आती है। मुझे स्टूडियोज में इस वक्त तीनों गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। आज का प्रोग्राम मेरे लिए बड़ा प्रेशराइज होने वाला है, क्योंकि पहले ही उन्होंने कह दिया गेस्ट होने के भाई तुम्हारी खैर नहीं है। मुझे सबसे पहले ज्वाइन कर रहे हैं मेरे फॉर्म, अब हमारे साथ एंकर भी रहते हैं शो के अंदर, आप देखते भी रहते हैं इनको, को एंकर है मेरे अहमद नवाज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है अहमद भाई, थोड़ा हल्का हाथ रखना प्लीज। नहीं बिल्कुल, साथ साथ अहमद नवाज ये फॉर्मल कप्तान कहते कहते रुका आप। बिल्कुल, ये फॉर्मल लफ्ज अदा हो गया था, मेरे हमारे कप्तान है, कप्तान अगले मैच में फारिग नहीं कर रहा। उसके बाद अगर ज्वाइन मुझे कर रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है काशी मजीद। अस्सलाम वालेकुम काशी भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया काशी भाई आपके टाइम का। इनके साथ साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कोच भी हैं, आप देखते भी रहते हैं इनको तबसरों में, हमारे भी कोच हैं बल्कि, राजा मुबीन साहब। अस्सलाम वालेकुम मुबीन भाई, बहुत शुक्रिया मुबीन आपके टाइम का। अहमद भाई, वर्ल्ड कप की अगर बात करूं, एक अच्छी बात जो भी मैं मैचेस पर आना चाहूंगा कि
नॉन टेस्ट नेशन को रिप्रेजेंट किया, उस सेंस में बात कर रहा हूं कि मुझे अच्छा लगा कि नॉन टेस्ट नेशंस जो प्रॉपर टेस्ट नेशंस उनको टफ टाइम दे रही है। बिल्कुल, आई थिंक ये वर्ल्ड कप जो है वो सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड कप कहलाएगा। अगर आप क्रिकेट वर्ल्ड कप या खासतौर पर T20 वर्ल्ड कप की तारीख उठाकर देख लें तो मेरा नहीं ख्याल इतनी अनसर्टेंटी रही है। मायूसी बहुत है, परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं है, खाली जो क्वालिटी ऑफ पिचेस दी गई है ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि वेस्ट इंडीज़ के अंदर भी, आई थिंक बहुत ज़्यादा मायूसी है क्रिकेट के शायकीन। जिस तरीके से मॉडर्न क्रिकेट इवॉल्व हो चुकी है उस तरीके से आप बड़े स्कोर्स एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन एक बार फिर से वो जो शुरू की क्रिकेट थी 120-130 रन्स वाली वो वापस आती हुई नज़र आई है, जिसकी वजह से बहुत सी टीम्स ने स्ट्रगल किया है। जहाँ तक डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो आई थिंक मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए भी और जो हमारे बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, हमने हमेशा एक बात सबसे ज़्यादा डिस्कस की है कि हर आने वाले साल में क्रिकेट की डाइवर्सिटी और भी ज़्यादा होती जा रही है। इस बार आप युगांडा को देख रहे हैं, स्कॉटलैंड ऑलरेडी एक बहुत ज़बरदस्त साइड बन चुकी है, नेदरलैंड्स बहुत ज़बरदस्त साइड है, उनके पास एक्सपीरियंस है ICC टूर्नामेंट्स का, आयरलैंड टेस्ट प्लेइंग नेशन है, अफगानिस्तान टेस्ट प्लेइंग नेशन है, तो नमीबिया है, बहुत सी डाइवर्सिटी। अमरीका पहली बार आई है और उन्होंने आगे सबको हैरान कर दिया, तो बहुत सारी डाइवर्सिटी हमें ज़रूर नज़र आ रही है। अगले आने वाले साल में हम ये भी देखेंगे बहुत सी टीम्स हैं जहाँ पर ग्राउंड वर्क ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें जर्मनी शामिल है, जिसमें इटली शामिल है, जापान शामिल है, सऊदी अरेबिया अब एक क्रिकेट टीम की तरफ जा रहा है, तो बहुत सारी डाइवर्सिटी इंक्रीज़ होती जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि क्रिकेट जितनी कंपेटिटिव हो रही है, जितनी टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, जिस तरह से पाकिस्तान हो गई, श्रीलंका का बहुत मायूस कुन वर्ल्ड कप अभी तक रहा है, पाकिस्तान तो अभी भी इक्वेशन में, श्रीलंका बाहर हो चुकी है, इन टीम्स को खासतौर पर वेस्ट इंडीज़ क्योंकि वो पिछले 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए भी नहीं क्वालिफाई कर सके थे, तो इन टीम्स को अब ज़रा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह ये कॉम्पिटिशन बढ़ता जाएगा तो ये क्वालिफिकेशन सिनारियोस पर बात आ जाएगी, और आई थिंक वहाँ पर हम यही देखेंगे कि इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर टीम्स टू क्वालिफाई। थोड़ा सा क्वेश्चन में, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा ओवरऑल चले आना चाहूँगा, पहले पाकिस्तान वर्सेस कनाडा मैच की तरफ आना चाहूँ, कनाडा अगर बात करें नॉन टेस्ट नेशन के अंदर वन ऑफ द फिनोमिनल साइड्स, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया, आपको पता मिक्स एंड मैच आपको प्लेयर्स का नजर आता है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो ऐसा क्यों है, मुझे पता आप लोग पहले भी बात करते रहे इस प्रोग्राम के अंदर, पाकिस्तान का ऐसा क्यों होता है जब भी एक बड़ा टूर्नामेंट होता है बहुत सी तवक्कात होती है इस टीम के साथ अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन हमेशा बुरा स्टार्ट क्यों होता है? इस बार की बात कर लेते हैं और इसको अगर हम रिलेट कर लें प्रीवियस टूर्नामेंट्स के साथ तो भी हो सकता है। इस बार जो सबसे अनफॉर्चुनेट रहा पाकिस्तान के लिए कि खेलना हमने USA में और कैरेबियन में था, तैयारी हम इंग्लैंड आयरलैंड में करते रहे। सो मुझे आज तक समझ नहीं, ठीक है, पेपर फिजिक्स का था, तैयारी केमिस्ट्री की होती रही, तो आखिर में इसी तरह की बायो जो है वो हमें समझ आई है। सो एक तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हमें तब भी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे कहते थे कि सिर्फ एक चीज़ अच्छी है कि कंपेटिटिव साइड के साथ क्रिकेट हो रही है, दैट इज़ इंग्लैंड, बट इस सारे प्रोसेस में वेदर क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, कंडीशंस क्या है, हम भूल गए, हमने ये सोचा ही नहीं, हमने सोचा बट ठीक है जैसी यहाँ पे है उससे को मिलती जुलती वहाँ पे भी मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं है। हालात ये हैं कि इस बार इस फॉर्मेट में, ये T20 वर्ल्ड कप के एडिशन में दो स्लोएस्ट 50s बनी हैं, बनाने वाले सोचें, एक डेविड मिलर है जो नेदरलैंड्स के खिलाफ 50 गेंदों पे 50 करते हैं, जो कि वर्ल्ड T20 की सबसे स्लोएस्ट थी, कल रिजवान ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया, उन्होंने 52 गेंदों पे की है कनाडा के खिलाफ। सो आप अंदाजा लगा लीजिए और मैं भी अंदाजा लगा लूँ और सब अंदाजा लगा लें कि ये वर्ल्ड कप इस अंदाज से चल रहा है, और मजे की बात क्या है कि ये दोनों मैचेस में जिन्होंने स्लोएस्ट 50 किए दोनों जीते हैं। सो ऐसा भी नहीं है कि जनाब वो बहुत अड़फस थी तो हार गए और इस वजह से उनको करनी पड़ी, जीतने वाले मैच में स्लोएस्ट 50s बन रही है इस T20 वर्ल्ड कप में, ये है इस वर्ल्ड कप की पिचेस की क्वालिटी। पाकिस्तान का सवाल था आपका, तो हमारी हिस्ट्री ये रही है कि किसी भी बड़े टूर्नामेंट में जाने से पहले कप्तानी का मसला चल रहा होगा, टीम में इंतशार की बातें आ जाएंगी, और इस चीज़ों को बजाय इसके कि हम उसी जगह पे सॉर्ट आउट करें, चार बड़े लोग इन्वॉल्व हो के वो बयानात दे देंगे, इस दफ़ा चलते टूर्नामेंट में सर्जरी की बात भी कर दी गई है। सो एक वर्ल्ड कप जिस पे सबका फोकस होता है, तो मुझे ये लगता है कि सब ये चाहते हैं कि चूंकि सारी आवाम का फोकस इस पे, तो मैं भी कोई एक जुमला डाल के अपने पे फोकस करवा लूं और मेरी भी जरा बल्ले बल्ले हो जाए। सो मोस्ट प्रोबेबली हम प्रोफेशनल्स शायद नहीं रहे, हम इंडिविजुअल्स तक पहुंच गए हैं और क्रिकेट टीम भी इस वक्त इंडिविजुअल्स पे मुश्किल है। थोड़ा सा अगर मुबीन भाई, मैं पाकिस्तान टीम की अगर बैटिंग ऑर्डर की बात करूं, मैं इस चीज़ पे हमेशा मेरा जोर है, मुझे पता है T20 के अंदर आपको फ्लोटर किस्म के बैट्समैन चाहिए जो किसी भी ऑर्डर पे जाके पोजीशन के हिसाब से बैटिंग कर सके। हम लोग आखिर कब फ्लोटर किस्म का बैट्समैन ढूंढेंगे? उस्मान खान मैं कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, मैं जो जिस तरीके की उनकी इनिंग्स थी इंडिया के खिलाफ, लिटरली मुझे नजर आ रहा था माजरत के साथ के शायद एक क्लब क्रिकेटर भी उससे बेहतर खेल सके, उनको समझ ही नहीं आ रही थी बॉल फ्रॉम द एंड किस तरीके से आपने रीड करनी है। अगले मैच में कनाडा के खिलाफ आप उनको उठा के फिर नीचे भेज देते हैं, इतना चेंजेस पाकिस्तान टीम में आखिर हो क्या रहा है, क्या माइंडसेट चल रहा है? देखें, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि वर्ल्ड कप में हम चले गए हैं, लेकिन अभी तक हमें ये डिसाइड नहीं हम कर पा रहे हैं कि हमारा बैटिंग ऑर्डर क्या होगा। हम कभी साइम को ओपन करवा रहे हैं, कभी बाबर को करवा रहे हैं, कभी रिजवान को करवा रहे हैं,
कभी कभी हम प्लान में उस्मान खान को भी ले आते हैं। फिर इफ्तिखार की अगर हम बात करें, हमने उनको पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान की टीम के साथ हैं, जहाँ पे उनका रोल आता है कि उन्होंने फिनिश करना है। अभी तक किसी मेगा इवेंट में पाकिस्तान को रिसेंटली इस वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो उसमें उन्होंने फिनिश बिल्कुल भी नहीं किया। बैटिंग ऑर्डर हमारा पिछली सीरीज में देख लें, आयरलैंड से देख लें, यूके जब हम खेलने गए वहाँ देख लें, हमारा थ्रू आउट हम एक्सपेरिमेंट्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। जब भी हम किसी बड़े इवेंट में जाते हैं 5-6 महीने पहले टीमें अपना कम्बिनेशन बनाती हैं, लेकिन अभी तक हमें अगले मैच का भी पता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि हमारा ओपनिंग जो पेयर है वो कौन सा होगा, क्योंकि आपका सहम जो है वो स्टिल फेल हो गया है। और आपका इफ्तिखार खेलेगा या नहीं खेलेगा, आप शादाब की अगर हम बात करें तो शादाब मुसलसल सिर्फ एज ए बैटर जो है वो टीम का हिस्सा बने हुए हैं, जबकि वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे वो सिलेक्ट हुए हैं। अब स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें, मैडी की, इमाद वसीम की अगर हम बात करें, उनको खिलाया गया है, लेकिन अगर उनको ना खिलाया जाता तो आपके पास उसके पास अलावा ऑप्शन भी कोई नहीं था, क्योंकि आप इमाद को, शादाब को और इब्रार को लेके गए, और इब्रार को आपने इससे पहले आपने जब बात की, अभी बड़ी अच्छी बात की काशिफ भाई ने भी, कि हम इन्हीं चीजों में रहते हैं कि ये हो रहा है, ग्रुपिंग हो रही है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, कप्तानी किसने करनी है, कौन करेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। फिर इंग्लैंड और पाकिस्तान की दोनों टीमों ने जिस तरह की जो प्रिपरेशन थी इनकी, वो दोनों की इंग्लैंड की कंडीशंस में थी, और हमको इन दोनों को यूएसए की कंडीशंस का बिल्कुल आइडिया नहीं था, इससे पहले वहाँ पे खेले भी नहीं हैं। अब अगर हम बात करें न्यूयॉर्क की, हम बात करें वेन्यूज़ की बात करें, वर्ल्ड कप की बात करें, तो इन सारी चीज़ों ने इस वर्ल्ड कप का जो मज़ा है वो बिल्कुल ख़राब कर दिया। मेरे ख्याल से आईसीसी को देखना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि अगर आपने इस तरह का वर्ल्ड कप करवाना है, जो वर्ल्ड अभी प्रोग्राम में, प्रोग्राम से पहले काशिफ भी ने यूज़ किया, मैं तो यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन इस वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल से सारे का सारा जो मज़ा है वो किरकिरा हो चुका है। अगर आपने आगे इवेंट्स प्लान करने हैं तो आपने उसमें वेदर को भी देखना है। देखिए मेगा इवेंट है, अगर रात वाला मैच भी श्रीलंका का वाश आउट होने के बाद ऑलमोस्ट श्रीलंकन टीम आउट हो गई है, आपकी इंग्लैंड टीम भी खतरे में है, न्यूजीलैंड की टीम खतरे में है, पाकिस्तान की टीम खतरे में है, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी अगर आप एक आईसीसी के तौर पर, कि यार आपने क्रिकेट को किस रास्ते पर लेके जा रहे हैं, किस जगह पर लेके जा रहे हैं, और इतने बड़े इवेंट को, मेगा इवेंट को आप क्यों इतना ख़राब कर रहे हैं। अहमद भाई, मैं खुद भी हैरान उस चीज़ पर, जब देखें अगर सीरीज़ आती है, कुछ मामला होते हैं जिसके अंदर आप वेदर फोरकास्ट को भी चेक करके आप सीरीज़ प्लान आउट करते हो, इतना बड़ा मेगा इवेंट जहाँ पर मिलियंस ऑफ की इन्वेस्टमेंट है, ब्रॉडकास्टर्स हैं, बाकी मामलात हैं, जैसे उन्होंने बिल्कुल अपना राइट पॉइंट आउट किया, सो इंग्लैंड की भी सूरत हाल बहुत खराब है, शायद स्कॉटलैंड क्वालिफाई कर जाए, आगे जो मैच जिस पे हम इफ्स एंड बट्स पे बैठे हुए, आयरलैंड वर्सेस यूएसए की मैच की बात करें, 90% चांसेस हैं, फ्लोरिडा में इस वक्त फ्लड की सूरत हाल है, मैं आगे जाकर मोहित शाह साहब को फोन पर लूंगा, उनसे पूछेंगे क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान के मैच में 40% इम्कान है, क्या आईसीसी को परेशानी है, किसी ने बात नहीं की होगी, भाई आपने स्केड्यूल क्या, मुझे पता है जो मामला है, मैं इसलिए नहीं कह रहा ऐसा पाकिस्तानी, लेकिन लिटरली अगर दूसरी टीम्स को भी देखो, स्केड्यूल देख के नहीं बनाया जाता। देखिए मैं, आप राज साहब हो गए या काशिफ भाई हो गए, हम सब बात करें क्रिकेटिंग सेंस में, और हम सोच भी क्रिकेटिंग सेंस में रहे, एक बात हम भूल जाते हैं कि आईसीसी का अल्टीमेट जो आप कह लें एसओपी है वो, या जो जॉनरा है वो क्रिकेट है, क्रिकेट कराना है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा प्रॉस्पेक्ट है जो कि बिजनेस इन्वॉल्व है। जब आप ब्रॉडकास्टर्स पर्सपेक्टिव से या बिज़नेस रेवेन्यू की बात करते हैं, बिज़नेस मॉडल की बात करते हैं, हम तकरीबन सारे लोग ऐसे हैं जो इस मॉडल को समझते हैं, तो उन्होंने अपने लिए एक नई मार्केट ओपन की है अमरीका की, और अगर आप अमरीका में इन्वेस्टमेंट्स की या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें तो वो एक बड़ी प्रॉफिटेबल मार्केट साबित होगी इनके लिए। आपने देखा कि बड़े कम टाइम में स्टेडियम्स तैयार कर लिए गए, ड्रॉप इन विकेट्स का मसला था वो आ गई, उन्होंने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर लिया, वो खैर अगले ओलंपिक्स के बारे में सोच रहे हैं कि अगले ओलंपिक्स में उन्होंने क्या करना है, क्योंकि वहाँ पर यही है कि जी क्रिकेट आ जाएगी तो मेडल के लिए जाना है, और अमेरिका मेडल के लिए जाता है आपको पता है। लेकिन अभी तक आईसीसी ने सारे एक्सपेरिमेंट को एक मार्केटिंग परस्पेक्टिव से देखा है, तो ये एक किस्म की आप कह लें कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट की गई कि इससे जो भी फीडबैक आएगा उसको गेज किया जाएगा, और उसको क्रिकेटिंग सेंस में गेज नहीं किया जाएगा अनफॉर्चुनेटली, उसको मार्केटिंग परस्पेक्टिव से बिजनेस इकोनॉमी में गेज किया जाएगा। अब हुआ ये कि इस नई मार्केट की खुलने की वजह से, और जिस तरह मैं और आप बात करें कि जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी आई है उतने ज़्यादा स्पॉन्सर्स आपके साथ आते जाएंगे, उतना आपका मार्केट रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, उतना शेयर आपका बढ़ता जाएगा। ये तो आप एक टूर्नामेंट देख रहे हैं जिसको डिवाइड किया गया है। मेरे ख्याल से हम आने वाले टूर्नामेंट्स की बात करें तो आई थिंक काशिफ भी एग्री करेंगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप T20 वर्ल्ड कप के बाद 50 ओवर वर्ल्ड कप की बात करते हैं, या आप कोई और ऐसा कोई ट्राई नेशन टूर्नामेंट देखते हैं, तो आई थिंक अमेरिका टॉप बिडिंग कंट्रीज में से एक हो जाएगा, कि जहां पर बिडिंग तक बात अगर आ गई तो अमेरिका कंटेंडर होगा। अब देखें
130 वाला विकेट है, 120 वाला विकेट है, मुझे पता है, आपको पता है, वेस्ट इंडीज़ के अंदर भी यही सिचुएशन है, तो ये कैसे हो सकता है कि आईसीसी को ये इल्म नहीं था? और वैसे भी आई थिंक जो आर्ट, वो मैं हमेशा कहता हूँ कि आर्ट ऑफ पिच मेकिंग की जो एक बात है, वो सब लोगों को रियलाइज़ हो गया था कि ये पिचेस जो है वो किस तरह से बिहेव करेंगी पहले एक दो मैचेस के बाद, लेकिन बात यही है कि आईसीसी ने उसको क्रिकेटिंग सेंस में अभी तक इवैल्यूएट नहीं किया। इस तरह देखें, मैं हम बार बार यही बात करते हैं कि नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशंस जो हैं वो ज़्यादा हैं, टेस्ट प्लेइंग नेशन कम है। टेस्ट स्टेटस देने के लिए भी आपको उन टीम्स को टेस्ट स्टेटस देना है जिनका अपना, काशी भाई मिशन बात करते हैं, जिनका अपना फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर तगड़ा हो, क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि एक टीम आगे जाकर पाँच दिन मार खाती रहे। लेकिन आईसीसी ने उस पूल को भी इंक्रीज़ किया बहुत जल्दी, की अफगानिस्तान को स्टेटस दिया, आयरलैंड को खैर स्टेटस दिया गया, तो वो बहुत सी चीज़ें जो आईसीसी आई थिंक एज अ बिजनेस मॉडल सोचता है, उसमें मैं और आप क्रिकेट तक ही सोचेंगे, लेकिन आई थिंक ये प्योरली ये वर्ल्ड कप जो है इसको एज अ बिजनेस प्रॉस्पेक्ट ट्रीट किया गया। मैं कहना चाहता था लेकिन मैं T20 वर्ल्ड कप का अख्ताम इंतज़ार कर रहा था, ये बात आज आप ये कहीं पे लिख लीजिए, जिन मुमालिक का अहमद ने तस्करा किया ना कि ये क्रिकेट में आने लगे हैं और कुछ अमेरिका जैसे आ गए हैं, वेरी सून सिर्फ वो लोग अपने अपने टेस्ट प्लेइंग नेशंस में रह जाएंगे जिनको टेस्ट क्रिकेट खेलने का शौक है, या जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है। 20 से 25 खिलाड़ियों के बाद हम मुड़ के देखेंगे ना तो सारे वीजा लेने की लाइन में लगे हुए होंगे, बिकॉज फाइनेंशियल मॉडल इन ममालिक का इतना स्ट्रॉन्ग है। इमेजिन फॉर अ मोमेंट इस्लामाबाद में रहता हुआ एक फर्स्ट क्लास का बच्चा जो कि अभी 20-22 साल का है, जो यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट की मद में सिर्फ 50-40-30-35 हज़ार रुपये पर मंथ ले रहा है, 50,000 रुपये चले पर मंथ ले रहा है, फर्स्ट क्लास का और वो भी 6 महीने का, फर्स्ट क्लास का 6 महीने का 50,000 रुपया कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि 3 लाख रुपया बन गया पूरे साल का। उसको जिस दिन इतला मिल गई कि अमेरिका में क्रिकेट अपॉर्चुनिटी मौजूद है, वहाँ डॉलर में पे होता है, वो लाइन में लगा हुआ होगा वीजे की। तो इसका मतलब है कि हमारी अगली सारी नर्सरी अमेरिका में है, कनाडा में है, सऊदी अरब में है, कतर में है, और न जाने कहां कहां बात काट रहे हैं। हमारे पास ऐड ऑन करूं कि मैं आज बैठ के देख रहा था अपना यूरो कप का, नॉट द फुटबॉल वन, जो यूरो कप का दूसरा जो डिवीजन चल रहा है, बीसीबी का जो क्रिकेट आईसीसी का, अर्जेंटीना, फ्रांस, इटली अपने अपने मैचेस जीत चुके हैं। यार आप अगले वर्ल्ड कप में तो खैर नहीं हम कह सकते, लेकिन आप अगला फेज जो यूएसए क्रिकेट का होगा, मैं और आप उन प्लेयर्स को जानते हैं जाती तौर पर जो अमेरिका चले गए हैं, वो इस फेज में इसलिए नजर नहीं आए कि वो हाल ही में गए हैं, अगले फेज में आपको अहमद, मुझे याद है काश्मीर जो बात कर रहे हैं ना, क्योंकि जब समी असलम की बात हुई थी यूएसए की, अगर आप उठा के स्टडी देखें वर्ल्ड कप से पहले, उन्होंने यही बात की थी कि हम लोगों ने जो T20 टीम है अपनी वो स्टडी पे तैयार की कि T20 को कौन ज्यादा सूट करता है। समी असलम की बात करूं, उनकी ऑडियो क्रिकेट के अंदर आपको नजर आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत से प्लेयर्स हैं, हमाद आजम है मेरे, हमाद आजम वहां पे है, अली इमरान वहां पे है, नजफ भाई बहुत पुराने वहां पे वहां पर मौजूद है। सो अगेन देखिए ना, जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है और पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर है, वनडे क्रिकेटर है, ये वहां पे मौजूद है। एक और जो फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट बात होने जा रही है क्रिकेट ही के मॉडल की हम बात कर रहे हैं, कि ये जो अमरीका कह रहे हैं ना हमने स्टडी की है और ये सारा कुछ, इस वक्त जो करंट टीम है ये भी हादसाती तौर पर नहीं उनकी बन गई, इन्होंने भी इन्वेस्ट किया था। हाँ ये कह तो देते हैं कि जी ये जो हमारे क्रिकेटर्स हैं ये सेमी प्रोफेशनल्स हैं, ये जॉब्स कर रहे हैं, जॉब वो लड़का कर रहा है जो इंडिया का अंडर 19 वर्ल्ड कप का प्लेयर है 2010 का, नेटवर्कल, आज उसकी मैं वीडियो देख रहा था जिस तरह से कोहली को आउट किया 2010 में, केन विलियम्स जो रूट को ऐसे आउट किया, जो रूट इंग्लैंड का वो आपको था, बाबर आजम ने 2010 का वर्ल्ड कप, अली खान यहां से खेलता चला गया, गोल क्लब से वो हमारा खबा फास्ट कलीम सना वहां यहां से चला गया। सो ये सारे अंडर 19 के प्लेयर्स हैं, अगेन 20-22 साल की उम्र में वो सियाणे थे या कम अकल थे जो भी आप कह लीजिए, उनको समझ आ गई कि भाई आगे क्रिकेट अपॉर्चुनिटी नहीं है, वीजा कटाओ, अमेरिका जाओ, और नाउ दे आर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ रहते तो शायद सारी जिंदगी फर्स्ट क्लास तक ही पहुंच पाते। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इन ममालिक के लिए जिसमें हम भी शामिल है, जिसको हम डेवलपिंग नेशंस कह देते हैं, कि वो किस अंदाज से अपने प्लेयर को रिटेन कर पाएंगे। फुटबॉल ऑलरेडी आपको पता है कि मुश्किलात का शिकार है, इंटरनेशनल फ्रेंडली खेलने के लिए, इंटरनेशनल इवेंट खेलने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्लब्स के लिए सब तैयार है। सो मोस्ट प्रोबेबली क्रिकेट जो है, मैं ले आया हूं, मैं घुमा के ले आया हूं, तैयार की बात करें तैयारा नहीं है, तो क्रिकेट का प्रोग्राम हो रहा है, कोई फुटबॉल में बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच, मैंने पहले कहा था मैं घुमा के किसी तरह ले आऊंगा, आप देखिए 3-0 पे कितनी संजीदगी से मैं लेकर आया। देखिए इस वक्त क्रिकेट की बात हो रही है, आप कह रहे हैं लेकिन जरा खामोश रखते हैं थोड़ी देर। अच्छा मुबीन, मैं थोड़ा सा अगर मैं न्यूजीलैंड का मैच पे आना चाहूंगा, न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच, वेस्ट इंडीज की विकेट मुझे पता स्लो होंगी, जैसे अहमद भाई भी बात करें, न्यूजीलैंड अगर ओवरऑल वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस देखूं, वो टीम है जो कि सेमीफाइनल ऑलमोस्ट खेलती है। हो क्या रहा है कल, जिस तरीके से 5 खिलाड़ी आउट हुए वेस्ट इंडीज के, रदरफोर्ड को अगर छोड़ के, मैंने कहा न्यूजीलैंड वापस आएगी मैच में, लेकिन हैट्स ऑफ जैसे काशी भी बात कर रहे थे, बैकफुट पर रह के छक्का मार रहा हूं विकेट्स के ऊपर,
रुदो फोर्ज को हैट्स ऑफ है भाई। देखिए मेरे ख्याल से वैसे भी T20 क्रिकेट हो या T10 हो, बेसिकली इस क्रिकेट में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो यही होती है कि आपके एक से दो ओवर, एक अच्छी पार्टनरशिप, एक अच्छा स्पेल, पूरे का पूरा जो मैच है दूसरी टीम से अवे ले जाता है। तो रदरफोर्ड को हम क्रेडिट देंगे यहाँ पे, जिस तरीके से जब 9 विकेटें गिर चुकी थी, जिस अंदाज से वो खेल रहे थे, मुझे लग रहा था कि वो भी 10-15 ओवर पड़े हैं और साथ में 3-4 बैट्समैन भी पड़े हैं। तो मेरे ख्याल से उनका जो खेलने का अंदाज है, जो वेस्ट इंडीज जितने भी प्लेयर्स हैं उनका हमेशा से एग्रेसिव है, एक भी लड़का उनको पता है कि पूरे का पूरा T20 जो मैच है उसका नक्शा बदल सकता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ है कि जिस तरीके से रात को उन्होंने अपनी बैटिंग की रदरफोर्ड ने, मेरे ख्याल से इसी तरीके से ये मैं जिक्र कर रहा हूँ कि इस T20 क्रिकेट में एक अच्छा स्पेल, एक अच्छी इनिंग्स, एक अच्छी पार्टनरशिप आपको मैच से जो है वो काफ़ी दूर ले जाती है। और यही हुआ है रात को न्यूजीलैंड के साथ भी, हालांकि जो पिच थी फिर भी स्टिल इट वॉज स्टेजेबल, आई थिंक 150 इतना वो बड़ा टोटल नहीं था, लेकिन न्यूजीलैंड की जो टीम है वो काफ़ी ऑफ कलर नज़र आई है हमें इस पूरे इवेंट में। अगर हम इंग्लैंड की बात भी करें, हम श्रीलंकन टीम की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो ये चार वो टेस्ट नेशंस कंट्रीज़ हैं जो इस पूरे टूर्नामेंट में हमें उस तरह कलर में नजर नहीं आया। तो थोड़ा सा अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूँ तो मुझे खुद फील होता है जब से अफगानिस्तान का मैच हुआ था न्यूजीलैंड के साथ, जिसमें स्पिनर्स ने आकर की कमर तोड़ी थी, इस मैच की बात करूँ तो न्यूजीलैंड आपको बिल्कुल ऑफ कलर नजर आई है। बहुत बड़ी साइड है यार, केन विलियमसन है, फिन एलन की बात करें, उनका कौन हुआ है, बड़ी तगड़ी साइड आपको नजर आती है, लेकिन शायद वो मेंटल प्रेशर आप कर लो या आई डोंट नो कि स्ट्रेटजी प्रेशर था कि उनके ऊपर उस चीज पे वो वापस नहीं आ सके। आई थिंक वो तगड़ी साइड इसलिए कि वो ज्यादातर हमारे खिलाफ ही खेलते रहे तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा तो आपको पता ऑस्ट्रेलिया को लग रहे थे हमने उठाया था। लेकिन राज साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की निशानदेही की, जिस तरह रदरफोर्ड इस मैच में खेले, मैं थोड़ा सा वो बता दूं कि वेस्ट इंडीज़ की वो हादसाती तौर पर एक वर्ल्ड कप की टीम तैयार होती है और एकदम से वर्ल्ड कप खेल जाती है और सबको हैरान कर देती है, तो वो तो आपको उनको वेस्ट इंडीज़ को क्रेडिट देना पड़ेगा। बस वो ग्लू फैक्टर डैरन सैमी फिर बिल्कुल बिल्कुल वो जो मेंटालिटी है, वो कहते हैं ना विनिंग इज़ अ हैबिट, तो वो वहाँ पर ज़रूर है। न्यूजीलैंड बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही थी कुछ प्लेयर्स के ऊपर कि शायद वो सिंगल हैंडेडली इनको इस वर्ल्ड कप में ओवर द लाइन लगा देंगे। उसके अंदर फिन एलन शामिल थे, उसमें जिमी नीशम से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, रचिन रविंद्रा के बारे में कहा जा रहा था कि वो आते ही, देखें ये वो वाली ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं है, अगर वर्ल्ड कप हो रहा होता इंग्लिश कंडीशंस के अंदर या हो रहा होता न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में या इवन साउथ अफ्रीका में, तो मैं कहता कि इस तरह के प्लेयर्स आपको सक्सेसफुल नज़र आएंगे। देखें बड़ा मैटर करता है, जिस तरह शुरू में हमारे पैनल ने भी निशानदेही की कि आप तैयारी कहाँ पर कर रहे थे, किसी साहब ने तो आज सोशल मीडिया पर ये भी मजाक किया कि जो जो टीम हमारे खिलाफ खेली है उसका भी वही हाल हो रहा है जो शुरू में हमारा हुआ है। तो बात यह कि ये बड़ा मैटर करता है कि आप कितना पहले वहाँ पर मतलब उस ब्रांड ऑफ, देखें इन पिचेस पर कौन कामयाब हो सकता था, केन विलियमसन जैसा बैटर अगर वो अपनी जो नॉर्मल रूटीन है टेक्निकल क्रिकेट की वो खेलते वो कामयाब हो जाते। इसी तरह मैं बात करूँ अगर किसी ऐसे प्लेयर की जो लंबी बारी लेना जानते हैं, जो लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं, वो कामयाब। आपने स्टार्ट में विराट कोहली के बारे में भी बात की, मैं आई थिंक आई वोंट एग्री, विराट कोहली पे कोई तनकीद नहीं है क्योंकि उनको ओपन कराया जा रहा है ऐसी पिचेस के ऊपर जहां पर शायद आई थिंक कोई रेगुलर ओपनर भी हो तो वो स्ट्रगल करेगा। तो ऐसी क्रिकेट में देखें कौन सा बैट्समैन सक्सेसफुल है जो लंबी क्रिकेट खेल सकता है, जिसको पार्टनरशिप बिल्ड, हम आज भी ये बात कर रहे थे कि अगर रदरफोर्ड इस तरीके से ना खेलते, खैर ये पिच इतनी भी बुरी नहीं थी, लेकिन अगर रदरफोर्ड इस तरीके से ना खेलते तो शायद वेस्टइंडीज़ भी 110 से 120 से ऊपर ना जाता। बात यह कि न्यूजीलैंड को ज़रा कैलकुलेटेड इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, लंबा जाना पड़ेगा। आप इन विकटों के ऊपर या इन पिचेस पे आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं भी वेस्टइंडीज़ की तरह मारूंगा तो उनकी वो अपर बॉडी स्ट्रेंथ को हम मैच नहीं कर सकते। तो यहाँ पे चाहिए क्या था कि विलियमसन या कोई और ऐसा बैट्समैन पार्टनरशिप लगाता, गेम को लंबा लेकर जाता। आप कॉनवे को देख लें, कुछ अच्छी शॉट्स लग रही थी, उसके बाद वो स्वीप मारने गए लेफ्ट आर्म स्पिनर को और बॉल जो है वो शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर वो कैच हो गए। तो बात यह कि नॉर्मल डेज में तो वो इतना बाउंस मिल रहा होता है कि स्वीप लगती है और ऊपर से चली जाती है, फिर जिस तरीके से अकील हुसैन और मोती ने बॉलिंग की, आई थिंक इट वॉज एब्सोल्युटली सुपर्ब। तो इन पिचेस के ऊपर केशव महाराज को हम देखते आ रहे हैं, वो बड़े सक्सेसफुल हो रहे हैं अभी तक वर्ल्ड कप में। तो इन पिचेस पे आपको बैट्समैन वही सक्सेसफुल मिलेगा जो लंबी इनिंग्स बिल्ड कर सकता है, और सिमिलरली स्पिनर भी वही कामयाब होगा जिसको हम आम जबान में कहते हैं जो छोड़ के गेंद करना जानता है। तो आई थिंक ये सिचुएशन है जिसको अभी तक न्यूजीलैंड रीड नहीं कर पाई। एक चीज ऐड कर लें, केशव महाराज जो इतने कामयाब है कि उनकी जो फुल टॉस गेंद है वो भी आउट हो रही है, उसमें महमूदुल्ला। ऐड कर लें केन विलियमसन की कैप्टनसी भी बड़ी ऑफ है, मुसलसल दूसरा मैच है, 17वां 18वां ओवर करने के लिए उनको डैरन मिचेल के पास जाना पड़ता है और वो रन कंसीड कर लेते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे इस क्रिकेट में जिस तरह की पिचेस पे मैच है, जो 15 रन का ओवर है ना, दैट इज लाइक 25 रन का ओवर या 30 रन का ओवर, बिकॉज रन तो मैं एक दिन मजाक में ये बात की प्रोग्राम में
कि जब T20 वर्ल्ड कप होता था तो कोई एक आउट क्लास छक्के पे जो कमेंटेटर की वॉल्यूम है या आवाज है ना वो ऊंची होती थी, यहाँ तो चौके पे वो गला फाड़ रहे हैं। लेकिन फिर वो मेंटालिटी तो नहीं है, कहीं आपको याद हो कि हम यहाँ पर ही बैठ के बात करते रहे अहमद भाई के, बहुत से लोग बात करते थे कि जितनी स्पीड अप क्रिकेट हमें IPL में नजर आई डायड्रेस स्कोर, वो विकेट बिल्कुल डिफरेंट थी। लेकिन अगर इस विकेट्स की बात करो बिल्कुल डिफरेंट है, वो एक मेंटालिटी बन गई हुई है कि 250 शायद होगा 240 होगा, यहाँ पर आप देखते हो विकेट्स डिफरेंट है, परफॉर्मेंसेस डिफरेंट है। देखिए पिछला जो T20 वर्ल्ड कप था ना वो आइडियल था बॉलर्स के लिए और बैट्समैन के लिए, जो 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 आपस की जंग है ना बड़ी बैलेंस थी, जो अच्छा बॉलर है उसको सपोर्ट विकेट करेगा और वो अपने स्किल सेट पे काम करेगा और जो अच्छा बैट्समैन है वो रन्स करेगा। शान मसूद भी वो एक टेस्ट क्रिकेटर, वहाँ पे रन्स करते रहे हमारे लिए। सो वहाँ पे जो टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन होंगे, जो अच्छे टेस्ट क्रिकेटर्स होंगे वो रन्स करेंगे। यहाँ पे तो टेस्ट क्रिकेटर, वनडे क्रिकेटर, T20 क्रिकेटर सब बराबर है। कल ऋषभ पंत पुल मारने गए हैं और घोड़े से नीचे बॉल, मतलब मैं कहना नहीं चाहता, देयर इज अ वर्ड फॉर दैट, गिटे के पास गई था वो बोल्ड हो गए। सो टखने से बॉल जो थोड़ा सा 2-4 इंच ऊपर था वो पुल मारने जा रहा है, इतना इतने एरर ऑफ जजमेंट नहीं हो सकते कि आप पुल यहाँ से मारने जाएं और आउट जाएं वो नीचे से हो जाए। लेकिन मैं और आप यही बात कर रहे थे कि हम हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स को सबसे ज़्यादा या हमारे क्लब क्रिकेटर्स को सबसे ज़्यादा आदत होती है इस तरह की पिचेस पे खेलने की, तो हम तो तभी तो झुक के खेलते हैं भाई इतना ज़्यादा कि आपको पता है कि गेंद आने नहीं, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं। और वो देखिए अहमद, हम जो हम जिस क्रिकेट की बात करें ना उसमें हम अपने बैट स्विंग को मिनिमाइज कर लेते हैं, उसको हम उसमें जो बैट को हम जो कहते हैं ना उठा के रखना उसको भी मिनिमाइज कर लेते हैं, बिकॉज स्पीड को भी हम बैट स्पीड भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि द बॉल के पिच होने के बाद जो कुछ बॉल ने करना है मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बल्ला घुमाऊंगे वहां पे ले आऊं। और वहां पे फिर हम T20 नहीं खेलते, वहां पे हम अब वो कहते हैं क्रिकेट का एक टर्म कि अड़ फंस करके हम कुछ रन करने की कोशिश करते हैं, मुक्के से लग गई, पांव से लग गई, पैर से लग गई। सो ये टर्म्स हैं जिसके बाद रन होते हैं। पिछली टीम कह रही है तुम तीनों की वीडियो निकालते हैं पिछले मैच की, बताते हैं जितने रन तुमने किए। मुझे जरा मोहित शाह साहब को लेना है जरा कॉल पे, चलते हैं। अब्दुल मोहित शाह साहब के साथ इस वक्त मौजूद है USA के अंदर, जहां पर लम्हा लम्हा हमें खबर भी कर रहे हैं कि इस वक्त सबकी नजरें हैं कि याला इस वक्त जो बारिश है वो थोड़ी सी अपना थम जाए पाकिस्तान के मैच के अंदर। पाकिस्तान इंडिया के मैच में भी आपको पता है कि बारिश कौन सी है उसके असरात थे, फिर कुछ बारिश थोड़ा सा स्पेल हुआ, फिर रुकी बारिश, पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट गेम आयरलैंड वर्सेस USA की, अगर ये ड्रॉ होता है मैच तो पाकिस्तान का सफर खत्म हो जाएगा इस वर्ल्ड कप के लिए। शाह जी थोड़ा सा बताइएगा, इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है? बारिश इस वक्त लगी हुई है फ्लोरिडा के अंदर, आपको पता है इस वक्त फ्लड के चांसेस भी हैं। अगर बात करें मीडिया की, बात करें कितना सपोर्टिव रोल है, बाकी बारिश का बताएं अपडेट क्या है, पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड का मैच कैसे देख रहे हैं? कल इंडिया ने USA को हराया और शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ इंडिया को रन चेस में, लेकिन बाद में कैच एक दो ड्रॉप हुए और बड़ा इजीली जो इंडिया है वो मैच जीत गया। अब देखें पाकिस्तान के लिए क्या सिलेजो पड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए अब थोड़ा सा बिल्कुल मामला क्लियर हो रहे हैं। USA आयरलैंड से हार जाए 14 तारीख को फ्लोरिडा में लॉर्ड हिल में जो मैच होना है, फिर पाकिस्तान आयरलैंड से जीत जाए, लेकिन मैच हो जाए ये बात है कि मैच होना भी इस वक्त जो वेदर फोरकास्ट है वो इतनी अच्छी नहीं है। फ्लोरिडा में इस वक्त भी बारिश हो रही है, और अगर पाकिस्तान का और पहले USA का और आयरलैंड का मैच हो जाता है और वो आयरलैंड जीत जाता है, फिर पाकिस्तान को बिल्कुल क्लियर एक अपॉर्चुनिटी पता लग जाएगी कि हमने कितने ओवर में स्कोर करना है या कितने रन के मार्जिन से हमने ये मैच जीतना है आयरलैंड से, ताकि हम सुपर 8 में क्वालिफाई कर लेंगे। वो सिनेरियो पाकिस्तान के लिए क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान का टीम वैसे भी फ्लोरिडा पहुंच गई है और ये देखने वाली अब बात है कि वो वेट करेंगे, जाहिर है सब वेट कर रहे हैं, यहाँ जो जर्नलिस्ट हमारे आए हुए हैं, दोस्त आए हुए हैं, वो भी वेट कर रहे हैं कि 14 को जो मैच है USA का और आयरलैंड का फ्लोरिडा में, उसका रिजल्ट क्या निकलता है। देखिए सारा डिपेंड करता है, अगर खुदा न खास्ता वो मैच नहीं होता, बारिश की नज़र हो जाता है तो फिर भी पाकिस्तान बाहर हो जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट मिल जाएगा USA को और USA क्वालिफाई कर जाएगा सुपर 8 स्टेज। मामला थोड़े ज़रूर गड़बड़ हैं, जो हम पहला मैच हम USA से हारे वो बॉलिंग की वजह से, ख़राब बॉलिंग जो हारिस रऊफ, और फिर सुपर ओवर में मोहम्मद आमिर ने ख़राब बॉलिंग की उसकी वजह से हारे। अब यहाँ जो इंडिया से मैच हम हारे वो बैटिंग की वजह से हारे कि इतना कम स्कोर हम चेस नहीं कर सके, यही हालात जा रहे हैं। अब सारा कुछ रह गया जी किस्मत पे, और किस्मत ने अगर साथ दिया तो पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई करेगा, वरना चांसेस बहुत कम नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया मोहित शाह साहब, आप मौजूद थे स्पोर्ट्स 360 के साथ, आप बता रहे थे वहाँ पर इस वक्त सिचुएशन क्या है।
मैं साउथ अफ्रीका कह रहा था, मुझे लगता है कि हमें इस बकरे ज़िबा करने पड़ेंगे सदके के। आपने किए थे कल से पहले? देखिए कल की बात नहीं हमने करी। अगर बात करें इसको मुबीन भाई, पाकिस्तान की टफ सिनेरियो आसान नहीं होगा। मैंने कहा ना कि हमेशा ऐसी सूरत हाल होती है जहां पर कभी नीदरलैंड हमें आके रेस्क्यू कर जाता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन दिस इज अ डिफरेंट बॉल सिनेरियो। यहां पर बारिश है, अल्लाह करे कि बारिश थम जाए, आपको फुल एक्शन पैक गेम नजर आए, लेकिन टफ सिनेरियो। देखिए अब तो बड़ा सिंपल है, पहली चीज़ तो ये कि रन रेट हमारा जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया देखा जाए इंडिया के मैच के बाद से। अब सिंपल हमारे लिए जीत है, सिर्फ मैच हो जाए, अगर आयरलैंड वाला मैच होता है और फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान का मैच होता है, अगर हम सिर्फ एक मस्ट विन वाली पोजीशन बन जाएगी। लेकिन जिस तरह बारिश नज़र आ रही है, मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है पाकिस्तान के लिए। लेकिन हम इस जगह तक पहुँचे क्यों, पहली चीज़ तो ये हम यहाँ तक पहुँचे किस लिए, हमें यूएसए से हमें बड़ा इजी मैच आ रहे। फिर हम बात अभी काशिफ भाई और अहमद बड़ी अच्छी डिस्कशन कर रहे थे पिच के बारे में, ग्राउंड के बारे में। देखें पिंडी स्टेडियम की हम बात करते हैं, इस पिच के बारे में पूरी दुनिया में जिस तरीके से उसको उठाया गया था, अब न्यूयॉर्क की पिच के बारे में हमें क्यों नहीं सुनने को मिल रहा? आईसीसी का क्या स्टांस है इसके ऊपर? अभी तक कोई डिस्कशन नज़र नहीं आ रही कि वो पिच इस काबिल थी जहाँ पे टी20 मैच में 107 रन या 111 रन जो है वो हाईएस्ट चेस हो रहा है। तो आप ये देखें, ये क्रिकेट से मजाक हो रहा है बेसिकली, वर्ल्ड कप तो ये हो नहीं रहा, मेरे माजरत के साथ, इतना बड़ा इवेंट था। लेकिन आईसीसी ने जिस तरीके से, अब न्यूयॉर्क के बाद हम फ्लोरिडा जा रहे हैं, अब वहाँ भी आपके मुझे लगता है कि पूरे जो ये 3-4 मैचेज़ हैं, लग ये रहा है कि अल्लाह ना करे कि वो वाश आउट हो जाएं। अगर वो हो जाते हैं तो फिर टीम्स के पास सिंपल सा सिनेरियो है कि जो टीम्स ऑलरेडी टॉप पे हैं वही रहेंगी और बाकी सारी टीमें वापस आ जाएंगी। तो मेरे ख्याल से एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कि न्यूयॉर्क में जिस तरह की पिच थी, बेशक हम मैच आ रहे हैं, हमने रिजवान ने जाके एक बैड शॉट खेला, हम मैच हार गए, लेकिन क्रिकेट में कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। देखिए दोनों टीमों के लिए जो कंडीशंस थी वो सेम थी। अगर हम ये ब्लेम करना शुरू कर दें कि हमारे लिए पिच ऐसी थी या हमारे लिए कंडीशंस ऐसी थी, लेकिन दोनों टीमों के लिए जो पिच थी वो भी सेम थी, कंडीशंस भी सेम थी, उसके अकॉर्डिंगली आपने अपना प्लान करना था। देखें काशिफ भी डिस्कस कर रहे हैं कि अगर बॉल नीचे रह रहा है या हम अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं ना, तो अब आपको आइडिया हो रहा है कि ये पिच किस तरह खेल रही है। आपका इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ बैठा है, थिंक टैंक बैठा है, आप खुद इतने अरसे से टीम के साथ हैं, आप 52 बॉलों पर 50 कर रहे हैं, आप सेट होके आउट हो रहे हैं, बाबर भी सेट होके आउट हो रहे हैं, इस चीज़ में आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। तो मेरे ख्याल से इन तमाम तर एक्सक्यूज़ेस हैं, इनसे निकल के हमें पाकिस्तान के लिए सोचना है। हमेशा वर्ल्ड कप में हम हारते हैं, लेकिन एक ही बात करते हैं कि आने वाले वर्ल्ड कप के बारे में सोचेंगे, आने वाले इवेंट के बारे में सोचेंगे, आप देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। इस चीज़ पे आके हम एक ग्रैंड ऑपरेशन की बात कर देते हैं कि आने वाले टाइम में हम यहाँ पे ऑपरेशन कर देंगे, ये ऑपरेशन आपने पहले क्यों नहीं किया? लेकिन मसला जो आपकी बात बिल्कुल राइट पॉइंट आउट है, यहाँ पर असल मसला हमारा फिर दूसरा भी आता है ना कि हम लोग जाके वर्ल्ड कप से दूसरी टीमें 6-6 महीने पहले तैयारी स्टार्ट करती हैं, हम जाके 10 दिन पहले भी मुझे नहीं पता होता ना किसी को पता होता कि कौन सी टीम खेलेगी कौन सी नहीं खेलेगी। अगर जैसे आप बात कर रहे हैं, मैं फिर उसी चीज़ पर आऊँगा अहमद भाई, ठीक है जिसने सिनारियो बनाया इंटरनेशनल फिक्चर्स, मुझे नहीं पता क्या सोच के बनाया था, इंडिया को एक कैच था कि वो यहाँ पर एक मैच खेल चुकी थी, ज़्यादा उनको प्रैक्टिस सेशंस भी मिले, उनको विकेट का इलम था। राइटली पॉइंट पे मुबीन भाई, आपके बॉलर्स ने आपका जॉब डन किया, बहुत ज़बरदस्त काम किया। दूसरे एंड पे देखो उनके बॉलर्स ने भी आप पे काम किया, ये जो बैटिंग पोजिशन आपने भेजी थी इसका कसूरवार कौन है? इमाद वसीम इंजर्ड, आप उसको उठा के भेजते हो। इफ्तिखार मैं क्रिटिसाइज करूंगा इस चीज़ पर, इफ्तिखार आपका एक प्रॉपर बैट्समैन, आप उसको नीचे भेज देते हो। उस्मान खान यार, आप टेप बॉल खेल रहे हो कि फिंगर बॉलर लगा हुआ, आपको समझ में नहीं आ रही कि मैंने पीछे जाना है आगे जाना है? मुझे लिटरली समझ नहीं आ रही थी कि किस चीज़ का प्रेशर था, एग्रेसिव अप्रोच है तुम्हारी, पीछे किस लिए हट रहे हो? देखिए मैंने उस दिन एक प्लेटफॉर्म पर यही बोला कि मैं समझता हूँ, और ये मेरा एक ज़ाती मेरी राय है कि मुझे लगता है कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो फिर बेहतर है कि आप सऊद शकील और अब्दुल्ला शफीक या मोहम्मद आरिस को टीम में ले आएँ, वो इन सबसे बेहतर खेल लेंगे। अब बात वही है कि दुनिया में टेक्निकली साउंड आपको होना पड़ता है। हम बहुत ज़्यादा अपना जो मुवाजना है वो भारत के साथ करते हैं, उनकी टीम के साथ करते हैं, उनको पहले मैच मिल गया, उनका शेयर आईसीसी में ज़्यादा है, उनकी बात ज़्यादा सुनी जाती है, फिक्स्चर्स उनकी मर्जी से बनते हैं। आप ये क्यों बात नहीं करते कि उनका डोमेस्टिक मॉडल क्या है, वो अपने लड़के कहाँ से लेकर आ रहे हैं? आज भी इंडिया की टीम में जो लड़के खेल रहे हैं, आप उनका रिकॉर्ड निकाल कर देख लेंगे, उनके कितने मैचेस रणजी ट्रॉफी या फर्स्ट क्लास जिसको आपको कहते हैं उसके होंगे। मैं मुझे लगता है मैं इतनी दफ़ा ये बोल चुका हूँ कि ये इट्स बिकम अ क्लीशे कि जो इस वक्त रणजी ट्रॉफी के टॉप 3 रन स्कोरर्स हैं वो अभी तक इंडिया के लिए डेब्यू नहीं कर पाए, और आप उनके किसी भी नए आने वाले डेब्यूटेंट को देखें तो ज़्यादा नहीं, अगर मैं बहुत भी एग्जैजरेट करूँ तो एटलीस्ट 10 से 15 मैच तो उसने फर्स्ट क्लास सीजन के खेले। तो आई थिंक यहाँ से बहुत फ़र्क पड़ता है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं और आप तो फॉलो करते हैं, काशिफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं, राजे साहब जो हैं वो भी यूथ क्रिकेट का हिस्सा रहे हैं, वो डोमेस्टिक टीम्स को मैनेज भी करते हैं। आप
किसी से भी पूछ के देख लीजिएगा, आप खुद यंगस्टर्स के साथ काम करते हैं, कि आप किसी नौजवान खिलाड़ी जो आ रहा है क्लब क्रिकेट या अंडर 19 अंडर 16 से या किसी एकेडमी से, उससे आप रोक कर पूछें कि बेटा आपका गोल क्या है, तो वो कहेगा जी मेरा गोल ये है कि मैं PSL खेल के पाकिस्तान क्रिकेट खेल लूँ। आप भी डिसएग्री नहीं करेंगे इस बात पर। तो बात यह कि जब आपने ऐसे शॉर्ट टर्म गोल, तो जो आप बैटिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको डिसएग्री इस तरीके से करूँगा कि अगर इमाद ऊपर आ गए थे और वो चले इंजर्ड भी थे, वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है, उनके अंदर फिर भी इतनी क्वालिटी और इतना कैलिबर मौजूद था कि वो मैच जितवा सकते थे, लेकिन सवाल ये है कि उनका रोल था लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए, जिस वजह से उनको भेजा गया, या फ़खर जमान को इसलिए भेजा कि लेफ्ट आर्म स्पिनर को न्यूट्रलाइज करना है। इफ्तिखार अहमद, मैं बार बार कहता हूँ हमारा मसला क्या है बहैसियत कौम, कि हमारा इंडिकेटर जो है तनकीद का वो सिर्फ बाबर आजम है, उसके अलावा हमें तनकीद का इंडिकेटर नहीं नज़र आता। आप मुझे बताएं पिछले दो साल से, अभी कल या परसों ही मैंने और काशिफ भाई ने बैठ के इफ्तिखार के स्टैट्स की बात की है, कितने मैचेस अभी तक वो आपको जितवा चुके, कितने मैचेस ऐसे हैं। अभी रिसेंटली एक प्राइवेट टेलीविजन चैनल के ऊपर एक बहुत बड़ी स्टोरी थी ये, जिसको फिर बाद में पूरे पाकिस्तान ने देखा कि किस तरह से इमाद को ट्रोल किया गया सोशल मीडिया पे, और इफ्तिखार ने उस पोस्ट को लाइक किया था, जिसकी वजह से टीम में कुछ अनबन हुई, इफ्तिखार ड्रॉप हुए हुए थे, टीम आपकी चेंज हो रही थी। बात यह कि टीम के साथ कौन मौजूद है, वहाब रियाज सीनियर मैनेजर, मोहम्मद यूसुफ टीम के बैटिंग कोच रहे हैं, इससे पहले अंडर 19 और NCA में भी काम करते रहे। अब ये किसने करना है, मैंने करना है, आपने करना है आकर, अब सर्जरी के बाद, सर्जरी की बात हम बार बार कर रहे हैं, उसको भी ज़रा वापस ले लिया या टोन डाउन हुआ है कि जहाँ पर कहा गया आप टीम को सपोर्ट करें, तो हम तो सपोर्ट करते रहेंगे। हम तो बार बार ये बात कर रहे हैं कि भाई जो आपकी टीम में, देखें मैं आपको आज एक और बात बताता हूँ, जब तक बाबर आजम खेलते रहते हैं क्रीज पे, रिजवान आपको एक डिफरेंट प्लेयर नजर आते हैं, जैसे ही बाबर आउट होकर जाते हैं रिजवान पहली गेंद पर शॉट मारना शुरू कर देते हैं। तो ये बड़ा मैटर करता है कि आप किस सोच के साथ मैच में उतरे हैं। अगर आप 120 रन्स उस पोजीशन से नहीं चेस कर पा रहे, तो आप यकीन करें ना पिच में खराबी है, ना किसी और चीज में खराबी है, आपके प्लेयर्स और जोन के साथ बिल्कुल, आई थिंक टेक्निकल भी, अब मतलब पाकिस्तान लेवल पर मैं तो जाते इतने मैचेस खेल के अब टेक्निकल भाई मैं तो नहीं बता सकता आपको कैसे खेलना है इस लेवल। सॉरी क्योंकि टाइम था, हां नहीं शॉट काशिफ में आना चाहूंगा, बांग्लादेश वर्सेस इसी को ऐड करने, इस पे साथ में बांग्लादेश वर्सेस नीदरलैंड्स मैच को भी जरा ऐड कीजिए के लिए। इन्होंने कहा टेक्निकल और फर्स्ट क्लास क्रिकेट, सूर्या कुमार यादव के 77 फर्स्ट क्लास तो मैंने देखे थे आखिरी मर्तबा, और वो टेक्निकली करेक्ट नहीं लगता हमें, जब हम विराट कोहली और रोहित शर्मा को बीच में डाल लेते हैं ना इक्वेशन के।